अव्यक्त नाम कमलमणि है। हम बचपन से 6 वर्ष के आयु से बाबा ने हम बच्चों को एक बोर्डिंग जिसका नाम ओम नास रखा था वहाँ पर हम आए और हमारे लौकिक में चाचा और चाची जी ने हमें बताया कि एक बोर्डिंग खुला है उसी में आपको रहना है। तो हमें सुनने से ही बड़ी खुशी हुई और हम अपने भी खुशी से और माँ बाप के खुशी से ही हम वहाँ पर आए और हम 6 बहनें ही इकट्ठी वहाँ पर रही। वर्तमान समय हम कृष्णा नगर दिल्ली सेवा केंद्र पर है। हमें वैसे तो हमारी सारी जो संस्था थी उस रीति से तो हमें बाबा का साथ होते हुए जो भी परीक्षाएं आई उसमें हम बाबा के साथ और हाथ से कोई भी प्रकार की परीक्षा में फेल नहीं हुए। हर बात में हम अपनी स्थिति से पास ही होते रहे। लेकिन हमारा जो बचपन जीवन था माँ बाप के बाबा के साथ रहने का उसी में हमें यही अनुभव हुआ कि हमारी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं। बल जन्म तो हमने लौकिक माँ बाप से लिया लेकिन ऐसे ही महसूस हुआ कि वो निमित्त मात्र था लेकिन हमारा पालना पढ़ाई वो शिव बाबा ने अपने ओम नास में ही कराई। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की परीक्षा परिस्थिति आते हुए भी हम सहज ही पार कर सके। और दूसरी बात हमारी पालना भी पवित्र धन से पवित्र आत्मों द्वारा होने कारण हमारे अपने जो संस्कार थे वो भी पवित्र ही रहे जिसमें किसी भी प्रकार से हमें और जो आश्री संस्कार है उसका वार नहीं हुआ। और हमारा ऐसा ही रहा कि जैसे आज के दुनिया में हर प्रकार की चीज़ें भी है चाहे व्यक्तियां हैं लेकिन बचपन से जो पवित्र संस्कार थे उस अनुसार हमारे इस दुनिया के कोई भी वातावरण वा व्यक्ति वा वैभव किस भी तरफ आकर्षित नहीं। तो ये एक अपना अनुभव जो है वो ही आज दिन तक हमें सेवा में भी मदद कर रहा है। और हमें बाबा ने बड़े अच्छे पढ़ाई भी रूहानी पढ़ाई के साथ जिस्मानी पढ़ाई भी कराई जिसमें हम कोई स्कूल व स्कूल के टीचर्स द्वारा पढ़ाई नहीं की लेकिन हमारे को बाबा ने ही अपने ही ज्ञान के पाठ लिखते हुए और उसी को ही फिर जिस्मानी पढ़ाई रूप में हिंदी इंग्लिश आदि सिखाया। और साथ साथ गीतों द्वारा भी बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के गीत जो बाबा ने बनाए उस गीतों द्वारा भी हमें अपने जीवन में कैसे सदा खुशी में रहो उस रीत से भी सिखाया। जिस एक गीत का हम आपको एक सुनाते हैं जो पहले पहले गीत बाबा ने हम बच्चों को सिखाया वो गीत है मोहे ज्ञान के झूले झूला या कोई मोहे ज्ञान के झूले झूला या कोई मेरा जान जिगर है यो गीसोई मीरा समथी
प्रेम पियासी मीरा समथी, प्रेम पियासी दीदार का तर में लोक लाज खोई, मैंने दीदार का तर लोक लाज खोई, मोहे ज्ञान के गीत सुनाया कोई। इस तरीके से बाबा ने हम बच्चों को गीतों द्वारा भी बहुत ही एक खुशी में और ऐसे ही अनुभव हुआ कि जैसे कि हम इस दुनिया से, जो आज की दुनिया है उससे कोई और दुनिया में बैठे, अपनी दुनिया, अपना परिवार, अपना बाप, अपनेपन की ही बड़ी अनुभूति हुई। तो ये अनुभूति बाबा ने हमको 14 वर्ष के बच्ची में भी कराई, जिसमें योग अभ्यास करना, कभी सारी रात्रि रात्रि योग अभ्यास करना, कभी दिन के भी 3-3 दिन का योग का अभ्यास कराना, तो योग अभ्यास कराना, पढ़ाई कराना, और हर कार्य भी हम अपने हाथों से करें, जो कि सारी दिनचर्या में हम अपने शरीर द्वारा भी कार्य करते रहे, तो हर कार्य भी सिखलाया। तो 14 वर्ष में हम अपने जीवन को ऐसे ही देखा कि हम इस पुरानी दुनिया में नहीं है, लेकिन हम अपनी ही इस नई दुनिया में और बाप के साथ साथ और अपना ही दैवी परिवार के अंदर बैठे हैं। हमारा जब दिल्ली में सेवा पर आना हुआ तो हमें बाबा ने जब भेजा तो उस समय हमको यही वरदान दिया कि बच्चे तुम सेवा पर तो जा रहे हैं, तो आपको कोई भी बात आएंगी भी वो भी आपको सहज ही हो जाएगा। तो वो ही सहज का वरदान जो बाबा ने जाते समय दिया, हम आज दिन तक भी अपने जीवन में देखते हैं कि उस वरदान से हमें कोई भी प्रकार की परिस्थितियां तो आती है, लेकिन कोई भी प्रकार की मुश्किल नहीं हुई, सहज ही सहज पार हो गए।